हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रेम है और आज से हम अपने चैनल पे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल स्टार्ट करें। इस ट्यूटोरियल में हम बिगनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले हमें जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस कब किया गया, जावास्क्रिप्ट की जरूरत क्यों पड़ी एंड जावास्क्रिप्ट क्या है। सो जावास्क्रिप्ट को फर्स्ट इंट्रोड्यूस दिसंबर 1995 में किया गया। उसके पहले इसका बीटा वर्जन सितंबर 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको कि लाइव स्क्रिप्ट के नाम से रिलीज किया गया था। अब जावास्क्रिप्ट की जरूरत क्यों पड़ी, अगर जावास्क्रिप्ट के पहले की बात करें सो हमारे पास जो भी वेब पेजेस थी वो स्टैटिक थी। इसी स्टैटिक नेचर को हटाने के लिए नेटस्केप ने फैसला लिया कि वेब पेजेस में एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को ऐड किया जाए एंड वो कम दे हैव कम अप विद जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट का ऑफिशियल वर्जन दिसंबर 1995 में रिलीज किया गया। अब जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कि कोटेकोलॉजी ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है। और इसको एलॉन्ग विद HTML और CSS यूज कर सकते हैं। सो HTML क्या है, HTML वेब पेजेस पे क्या कंटेंट होनी चाहिए वो डिसाइड करती है, वहीं की CSS डिसाइड करती है कि HTML पेज कैसा दिखना चाहिए, HTML आई मीन वेब पेज कैसा दिखना चाहिए। एंड अगर आप एज ऑफ 2022 98% ऑफ वेबसाइट जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रही है, इसके कारण अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट के पास कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था, तो इसके लिए नेटस्केप ने जावास्क्रिप्ट को एक्मा इंटरनेशनल को सबमिट किया एंड एक्मा इंटरनेशनल ने एक्मा स्क्रिप्ट लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन जून 1997 में रिलीज किया, जो कि उसका फर्स्ट वर्जन था। सेकेंड वर्जन सब्सिक्वेंट 1998 में, थर्ड वर्जन 1999 में एंड फोर्थ वर्जन 2000 में रिलीज किया गया। और अभी हमारे पास एक्मा स्क्रिप्ट 13 वर्जन है जो कि जून 2022 में रिलीज किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द जावास्क्रिप्ट हिस्ट्री एंड व्हाई डू वी यूज जावास्क्रिप्ट। अब सिंस दिस इज द लैंग्वेज ऑफ वेब, सो हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर में रन कर सकते हैं, अपने पास हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर भी रन कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें Node.js का नॉलेज होना चाहिए। अगर अभी बात करें तो Node.js एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि ब्राउजर के आउटसाइड जावास्क्रिप्ट को रन करने में हेल्प करती है। अब जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर में रन करने के लिए अपने हमारे पास दो ऑप्शन है। हम किसी भी HTML पेज में स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट कंटेंट लिख सकते हैं एंड ये वेब पेज में रन करेगी, ब्राउजर में रन करेगी। और दूसरा ऑप्शन है कि हम स्क्रिप्ट टैग यूज़ करें एंड उसमें उसके सोर्स एट्रीब्यूट में हम एक जावास्क्रिप्ट फाइल का पाथ प्रोवाइड करें एंड अगर इस पाथ से जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में रन करेगी। सो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना रखी है जो कि 200.js है और यहाँ मैंने ऑलरेडी इसको रेफरेंस दे चुका है। सो अगर आप 200.js में जाओगे तो आप देखोगे इसमें कुछ जावास्क्रिप्ट कोड लिखी पड़ी है। अगर आपको ये कोड नहीं समझ रहे तो अभी के लिए आप इस कोड को इग्नोर कर सकते हो। हम जैसे जैसे इस ट्यूटोरियल में आगे बढ़ेंगे हम इस कोड के बारे में समझेंगे कि कोड क्या कर रही है। तो अभी के लिए आप इधर जा लो कि console.log कंसोल पे कोई भी आउटपुट प्रिंट करने का काम करती है। सो मैंने ऑलरेडी इस कोड को ब्राउजर में रन कर रखा है। सो इफ यू गो इन ब्राउजर सो आप देखो यहाँ वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, जो कि हमारे HTML पेज के बॉडी टैग से आ रही है। एंड अगर आप 200.js की बात करें तो जो भी हम प्रिंट कर रहे हैं वो कंसोल पे प्रिंट कर रहे हैं, तो उस कंसोल के देखने के लिए हमें कंसोल में जाना पड़ेगा। उसके लिए हम इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे एंड अगर आप कंसोल में जाएंगे तो आप देखेंगे जो भी वहाँ से हम console.log में आर्गुमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो console.log में प्रिंट हो रही है। इवन कि हम जावास्क्रिप्ट को कंसोल में डायरेक्टली रन कर सकते हैं। सो अगर हम और console.log यहाँ ट्राई करें आप देखोगे console.log में जो भी स्ट्रिंग पास किया गया है वो कंसोल पे प्रिंट हो गई है। सो दिस इज हाउ वी कैन रन जावास्क्रिप्ट। अब सिंस ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी इनेबल्ड होती है, इसके कारण हम कंसोल पे जावास्क्रिप्ट को रन कर पा रहे हैं। अगर आपके ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट इनेबल नहीं है तो पहले आपको जावास्क्रिप्ट इनेबल करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।